जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आज का जो विषय है पतंजलि योग सूत्र से भूख प्यास पर विजय की विधि या फिर भूख प्यास पर विजय की सिद्धि अभी देखिए भूख और प्यास क्या है आहार चार जो वृत्तियां हैं वो जीव पर नैसर्गिक रूप से हावी रहती हैं और उसका कारण है शरीर शरीर है तो ये चारों वृत्तियां होंगी ही होंगी नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता कौन कौन सी चार वृत्तियां आहार निद्रा भय और मैथुन ये चार वृत्तियां होंगी ही होंगी शरीर के कारण होंगी ठीक है तो भोजन करना सोना और भयभीत होना हो सकता है कि कोई व्यक्ति हिंसक ना हो दूसरों को डराता ना हो हिंसा ना करता हो लेकिन जब उसके प्राणों को खतरा होगा तो भयभीत जरूर होगा शरीर के कारण ये चारों वृत्तियां मिल जाती हैं और चौथा है संतान प्रजनन करना संतान की उत्पत्ति करना प्रजनन करना आहार निद्रा भय मैथुन इसको कहा गया है यह चार वृत्तियां शरीर के कारण रहती ही रहती हैं, रहेंगी ही रहेंगी लेकिन योगी अलग अलग संयम और अलग अलग सिद्धि से क्योंकि योग का मार्ग तो शरीर से भी आगे बढ़कर है सूक्ष्म रूप की प्राप्ति का योग मार्ग है तो इसीलिए योग में यह संभव है कि इन वृत्तियों का भी खंडन हो सके इन वृत्तियों का भी निरोध हो सके वैसे बहुत सारी वृत्तियां हैं लेकिन चार मुख्य रूप से जीव पर हावी रहती हैं तो आहार वृत्ति शरीर है तो खाना तो खाना है भोजन तो करना है और भोजन करना है तो शरीर में बंधन भी है यह आहार वृत्ति ही बंधन बना के रखती है शरीर के प्रति यह आहार वृत्ति ही बंधन बनाकर रखती है शरीर के प्रति तो शरीर के प्रति बंधन इस भोजन के कारण बना रहता है तो योगी इस वृत्ति पर भी अगर संयम से सिद्धि कर ले तो इस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं नियंत्रण करने का विजय प्राप्त करने का अब मतलब क्या है भोजन भूख और प्यास पर विजय इसका मतलब क्या है खाना छोड़ देगा पीना छोड़ देगा नहीं खाएगा पिएगा लेकिन शरीर के निर्वाह के लिए उसमें आसक्ति के कारण नहीं मजबूरी के कारण नहीं विवशतावश नहीं बल्कि विवशतावश नहीं बल्कि शरीर से जो उसे कर्तव्य करना है जो कर्म करना है बस वहीं तक तो इसलिए भूख और प्यास पर कैसे विजय प्राप्त करता है योगी किसका संयम करने से तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कूपे शुद्ध पिपासा कंठ कूपे शुत पिपासा, पिपासा निवृत्ति कंठकूप में संयम करने से क्षुधा और तृषा की निवृत्ति होती है भूख और प्यास की निवृत्ति होती है तो कंठकूप जो अंदर है कंठ कुहर जिसको बोलते हैं तो वह जो कूप है उसमें संयम करने से साधना के द्वारा निरंतर अभ्यास से खेचरी के अभ्यास से साथ में अगर खेचरी मुद्रा का अभ्यास हो तो कोप का संयम आसानी से होगा यद्यपि खेचरी मुद्रा की चर्चा योग सूत्र में नहीं लेकिन दूसरे हट योग के ग्रंथों में मिलती है योग मार्ग में बहुत सहायक क्रिया है लेकिन जो मुख्य क्रिया है वह प्रणव को साधना है और धारणा की स्थापना है कि हम धारणा का अभ्यास करें अनेकों प्रकार की धारणाएं बताई गई हैं हम उन धारणाओं का अभ्यास करें तो योगी बहुत दिनों तक बिना कुछ जल ग्रहण किए बिना कुछ भोजन ग्रहण किए भी रह सकता है यदि वो ऐसा संयम करता है जैसा संयम करने के लिए यहां महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि कूप में संयम करने से कूप में संयम करने से क्षुधा और पिपासा का नाश होता है भूख और प्यास नष्ट हो जाते हैं या नष्ट नहीं हो जाते हैं उन पर नियंत्रण आ जाता है उनसे निवृत्ति होती है नष्ट कहना अर्थ को गलत भी कर सकता है इसलिए निवृत्ति महर्षि पतंजलि यहां पर कह रहे हैं निवृत्ति एक है वृत्ति और एक है निवृत्ति वृत्ति निरोध होने से निवृत्ति होती है अब वैसे ज्यादातर लोग समझते हैं कि दो मार्ग बताए हैं भगवान कृष्ण ने प्रवृति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तो निवृति मार्ग को लोग समझते हैं कि घर बार छोड़कर कुछ साधु संन्यासी बन जाओ या किसी आश्रम में जाकर ऐसे बन जाओ तो फिर तुम निवृत्ति मार्गी हो जाओगे लेकिन वास्तव में इसका यह कोई ऐसा कोई अर्थ नहीं है निवृत्ति का निवृत्ति का सीधा सा अर्थ है प्रवृत्ति मतलब वृत्तियों में आसक्त होना वृत्तियों के वशीभूत जीवन जीना प्रवृत्ति का अर्थ है वृत्तियों के वशीभूत जीवन जीना और निवृत्ति का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध करना जो लोग योग मार्ग पर चल रहे हैं चित्तवृत्ति का निरोध करने में लगे हुए हैं वास्तव में वही निवृत्ति मार्ग पर हैं, जो लोग चित्तवृत्ति का निरोध करने में लगे हुए हैं वास्तव में यह वही निवृत्ति मार्ग पर हैं। तो यह जो निवृत्ति मार्ग पर वाली जो बात है इसको समझना है कि निवृत्ति का क्या तात्पर्य है तो भूख और प्यास की जो वृत्ति है भूख और प्यास क्या है एक वृत्ति है उसका निरोध होने से निवृत्ति हो जाएगी किससे निवृत्ति हो जाएगी जी भूख और प्यास से निवृत्ति हो जाएगी तो कंठकूप में संयम करने से महर्षि पतंजलि कहते हैं कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास भूख क्षुधा और तृष्णा इनसे निवृत्ति हो जाएगी यहां पर भूख और प्यास के लिए ही मुख्य रूप से यहां पर शब्द का प्रयोग है तो निवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति मतलब जो शरीर के कारण जो भोजन की जो बाध्यता है उस बाध्यता पे नियंत्रण आ जाएगा योगी का अपना नियंत्रण उस बाध्यता पर आ जाएगा यदि वो कूप में संयम करता है तो, तो संयम क्या है यह कल भी मैंने बताया था पहले धारणा फिर वह ध्यान और फिर समाधि इन तीनों को एक साथ संयम कहते हैं तो कंठकूप में एकाग्रता लगानी पड़ेगी धारणा के लिए धारणा कैसे होगी बिना एकाग्रता के तो धारणा होगी नहीं फोकस करना पड़ेगा तब जाके धारणा होगी और धारणा करने से फिर ध्यान होगा तो धारणा क्या है धारणा फोकस है धारणा कॉन्सेंट्रेशन है ध्यान का मतलब एग्जैक्टली exactly कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ध्यान जो अवस्था है उसका अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द नहीं है सही से मेडिटेशन लोग कहते हैं आजकल मेडिटेशन वर्ड का यूज बहुत हो रहा है लेकिन इन रियलिटी मेडिटेशन ध्यान नहीं है क्यों ध्यान नहीं है अब आप पूछोगे कि आप मेडिटेशन को ध्यान क्यों नहीं कहते हैं? मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे जिन लोगों ने फिलॉसफी का कोर्स किया है उनके लिए ये कुछ बातें आएंगी बाद में द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी रीने तो जो कार्टिसियन फिलोसफी इसको बोलते हैं रीनेडेकॉटिस को उसने अपनी जो किताबें लिखी थी उन किताबों का नाम था मेडिटेशन मेडिटेशन वन मेडिटेशन टू मेडिटेशन थ्री और ये बात मैं ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं मैं ध्यान को मैं अरे भाई इन सब बातों का प्रूफ है गूगल करके देख लो रेने रेनेडिकार्टिस ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं तो वहां पर मॉडर्न फिलासफर्स ने मेडिटेशन वर्ड यूज किया है किसी दूसरे प्रोसेस के लिए ना कि ध्यान के लिए कंटम्प्लेशन के लिए किया है एक डीप कॉन्टम्प्लेशन लोनली अकेले रहकर लेकिन जो ध्यान है वह तो एक वृत्ति प्रवाह है जो ध्यान है उसके लिए वहां कोई कंटम्पलेशन नहीं है वहां कोई चिंतन मनन नहीं हो रहा है वहां कोई लॉजिकल कंटम्प्लेशन सबसे बड़ी बात है कि लॉजिकल कंटेप्लेशन रिनेडिक्ट ने लॉजिकल कंटम्प्लेशन को क्या बोला है मेडिटेशन बोला है क्योंकि तो मैथमेटिशियन था तो एक तो वो लोग रिसर्च करते थे बाहर में लेकिन कुछ चीजों का वो कंक्लूजन निकालते थे भीतर में अपने चिंतन से सपोज आपको एक मैथमेटिक्स का सवाल दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिनेडिकार्टिस द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी उसके अनुसार क्या है मेडिटेशन सुनिए आपको अगर मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम दिया गया कि इफ द एज ऑफ फादर इज दिस एज ऑफ सन इज दिस देन आफ्टर नाइन ईयर्स एज ऑफ फादर इज दिस देन व्हाट विल द व्हाट विल बी द एज ऑफ सन अगर पिता की उम्र इतनी है और पुत्र की उम्र इतनी है तो नौ साल बाद पिता की उम्र इतनी है तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी अगर मान लीजिए लिखा गया अगर पिता की उम्र जो है दुगनी है इस समय पुत्र से तो नौ साल बाद पिता की उम्र इतनी होगी तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी इस तरह से प्रश्न पूछ दिया गया नाउ वट यू विल डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप एकाग्रता पूर्वक लॉजिकली कॉन्टम्प्लेट करेंगे करेंगे कि नहीं अच्छा अब आपको मैथ्स का सवाल है जो आठवीं नौवीं दसवीं में ये सब सवाल पूछे जाते हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं पिता की उम्र इतने वर्ष है पिता और पुत्र की उम्र दुगना है उससे इतने वर्ष की है तो नौ साल बाद या दस साल बाद अगर पिता की उम्र इतनी होती है तो पुत्र का उम्र कितना होगा दिस और आप इस पर क्या करेंगे आप इस पर आपको कहीं से बातचीत नहीं करना है आपको कहीं पर कोई डिस्कवरी करने भी नहीं जाना है कहीं पर क्या लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा इसके लिए जी नहीं आपको कहां जाना पड़ेगा अपने मन में जाना पड़ेगा लॉजिकली आपको प्रोसेस करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छा पिता की उम्र इतनी है तो लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स लेट द एज ऑफ सन इज वाई तो ये जो प्रोसेस आपके दिमाग में लॉजिकल प्रोसेस चल रहा है टू फाइंड द कंक्लूजन प्रश्न को हल करने के लिए दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस वाई ट्रांसेंडेंटल क्योंकि आपका सेंस ऑर्गेन यहां यूज नहीं हो रहा आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी यूज हो रही है आपका सेंस ऑर्गन यहां यूज नहीं हो रहा है आपकी लॉजिकल कैपेबिलिटी यहां यूज हो रही है आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी यूज हो रही है तो अकॉर्डिंग टू रेने डिकार्टिस दिस इज मेडिटेशन यह मेडिटेशन है ठीक ना यह क्या है मेडिटेशन है लेकिन अब क्या करें अब भारत में चारों तरफ सरकार भी कहीं पर लिखना होता है तो मेडिटेशन लिखती है ठीक है तो लेकिन के अनुसार जो मेडिटेशन है उसने उसकी किताबें हैं मेडिटेशन वन मेडिटेशन टू मेडिटेशन थ्री ऐसे करके रेने डिकार्टिस की बुक्स हैं और रेने डिकार्टिस इज ए वेरी फेमस नेम इन वर्ल्ड ऑफ फिलासफी एंड मैथमेटिक्स दोनों ही क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध नाम है यह जो मैथ्स के लोग छात्र हैं वो कार्टेशियन थ्योरम पढ़ते हैं ठीक तो उसने जो लॉजिकल कंटेपलेशन था उसका उसको उसने मेडिटेशन बोला है ठीक है तो मेडिटेशन वही बात है अब यहां पर मुझे कोई इस ये कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई मैं कुछ वो अपने कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं आ, सनातन धर्म को या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है दिस इज द एटाइमोलॉजिकल डिफरेंस ठीक है दिस इज द एटाइमोलॉजिकल डिफरेंस नो बॉडी कैन डिनाई इट कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको डिनाई कर दे ठीक है कि मेडिटेशन क्या है और ध्यान क्या है ये शब्द व्युत्पत्ति से पता चलता है कि मेडिटेशन क्या है कहां से ये वर्ड निकला है उस भाषा के इतिहास में हम जाएंगे घुसेंगे तो पता चलेगा ध्यान शब्द कहां से निकला है तो योग सूत्र पढ़ो ना महर्षि पतंजलि साफ़ साफ लिख तो रहे हैं कि एक वृत्ति प्रवाह जब रहेगा तो ध्यान होगा एक वृत्ति प्रवाह पहले एक वृत्ति प्रवाह के लिए धारणा करना है एक वृत्ति प्रवाह के लिए पहले धारणा करना है आप धारणा करेंगे जब वो धारणा परिपक्व हो जाएगी सभी वृत्तियों का निरोध कर मात्र एक वृत्ति प्रवाह रहेगा तो क्या होगा उसे हम ध्यान कहेंगे उसे हम ध्यान कहेंगे ठीक है तो यह ध्यान कहलाएगा तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को ले लिया मेडिटेशन ध्यान तो ध्यान के लिए कोई सही शब्द नहीं है तो हां धारणा को जब आप कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन तो धारणा इज कॉन्सेंट्रेशन जब आप कहते हैं कि फोकस बढ़ाओ अपना तो धारणा इज फोकस ठीक है धारणा इज फोकस धारणा इज कॉन्सेंट्रेशन तो हमें ये डिफरेंस भी समझना है तो धारणा ध्यान समाधि ये तीनों संयम हैं। फिलॉसफी कोर्स करने से ये बहुत सारे टॉपिक्स हो होंगे चल रहा है कुछ वीडियोस मिली हैं अभी आगे और मिलेंगे आज के बाद ज्वाइनिंग नहीं होगी क्योंकि आपको कवर करना पड़ेगा जितना दिया गया है अगर उतना कवर करना हमें लगेगा कि नहीं मुश्किल है तो ज्वाइनिंग नहीं लिया जाएगा आज के बाद ठीक है और दूसरी लाइव क्लासेस भी हो जाएंगी तो फिर आपका छोटी जाएगा लाइव वाला तो तो अब आप इंतजार कीजिए कि आगे कब इसकी अनाउंसमेंट होगी फिलासफी क्लास की आगे कब अनाउंसमेंट होगी लेकिन फिलासफी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं सनातन धर्म के शब्दों में जो सनातन धर्म में जो शब्द प्रयोग होते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो षड दर्शन के से हमें बहुत सारे क्लियर होते हैं और साथ ही साथ वेस्टर्न फिलासफी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी साथ में आपको दिए जाएंगे उस पर भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियर हो जाती हैं तो बहुत कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है इसको तो आज तक ज्वाइनिंग का समय था लेकिन अब जो है आप प्रतीक्षा कीजिए कि दोबारा कब इसका अनाउंसमेंट होता है हम भी अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं कब तक वो टॉपिक पूरे होंगे तो कोर्स पूरा होगा और फिर जाकर जो है आपको नई कोर्स का जब हमें लगेगा कि ये कोर्स अब इतने दिन में खत्म होगा तो हम नया अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई जो फिलासफी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि ने संयम कंठ कूप में संयम करने से धारणा ध्यान समाधि होने से कंठकूप में अगर धारणा ध्यान समाधि हो जाए तो क्या होगा कंठकूप में धारणा-ध्यान समाधि हो जाए तो फिर क्या होगा तो फिर भूख और प्यास से निवृत्ति होगी मतलब भूख और प्यास की जो वृत्ति है उसका निरोध होने से निवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति का अर्थ यही है निरोध होना ठीक है वृत्तियों का निरोध होना अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं उसको भी हम देख लें उसके पहले वाला सूत्र भी हमको हमने शायद मिस कर दिया है एक सूत्र उसको भी हम देख लेते हैं महर्षि पतंजलि कहते हैं क्योंकि पहले वो था मिस कर गया एक सूत्र पहले वाला चक्रे व्यूह ज्ञानम नाभि चक्र में संयम करने से शरीर समुदाय का ज्ञान होता है नाभि चक्र में संयम करने से शरीर समुदाय का ज्ञान होता है क्योंकि नाभि से सब कुछ बंधा होता है नाभि से ही गर्भस्थ शिशु प्राप्त करता है सबसे पहले उसकी नाभि ही तो विकसित हो रही है ना जो अगर बायोलॉजिकली आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो माता के गर्भ से जो बच्चे की का जो कनेक्शन है वो उसकी नाभि से है बच्चे की नाभि से है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं प्लेसेंटल कनेक्शन बोलते हैं हम उसको तो मां इसलिए बच्चे जो शिशु जो नवजात शिशु होते हैं उनके फेफड़े नहीं होते हैं अगर वो विकसित दौर में होते हैं, काम नहीं करते हैं ठीक ना तो उनको जो है शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से मिलता है मदर के थ्रू मिलता है मदर के जो लंग्स हैं उसके थ्रू मिलता है हाँ उनका हार्ट काम करता है लगभग सात महीने से हार्ट जो उनका हृदय है हार्ट है वो बच्चों का काम करना शुरू कर देता है गर्भस्थ शिशु का और जो सारा पोषण है उसके संपूर्ण शरीर का जो निर्माण है उसका केंद्र बिंदु नाभि चक्र है उसका केंद्र बिंदु नाभि चक्र है तो नाभि का ध्यान करने से नाभि में संयम करने से नाभि चक्र में संयम करने से महर्षि पतंजलि यहां पर लिख रहे हैं काय व्यूह ज्ञानम नाभिचक्रे काय व्यूह ज्ञानम नाभिचक्र में संयम करने से शरीर समुदाय का ज्ञान प्राप्त होता है ठीक नाभिचक्रे व्यूह ज्ञानम उसके बाद तो शरीर समुदाय मतलब शरीर में हमारे क्या क्या है कौन कौन से अंग है शरीर की रचना कैसी है इन सभी विषयों का जो सूक्ष्म ज्ञान है अति सूक्ष्म ज्ञान है वो योगी को होना शुरू हो जाता है अगर वो नाभि चक्र में संयम कर ले तो ठीक है तो यह अब 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 एक और मैं बात यहां पर थोड़ा सा आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी बातें कह रही हैं कही जा रही हैं यह सिद्ध योगी के लिए कही जा रही है यह परिपक्व योगी के लिए कही जा रही हैं अब आप कहोगे कि हम भी जो है कंठकूप में ध्यान लगाते हैं और भूख प्यास पर निवृत्ति हो जाएगी जी नहीं नहीं हो पाएगी क्योंकि आपकी धारणा उतनी विकसित नहीं है आपकी एकाग्रता अभी उस स्तर की नहीं है तो पहले तो ये अब यहां पर बताने से एक कंफ्यूजन हो सकता है कई लोगों के मन में हो कि ठीक है यहां पर कहा जा रहा है कि नाभि चक्र में संयम करने से पूरे शरीर का ज्ञान होगा तो चलो हम बैठ जाते हैं नाभि चक्र में ही संयम कर लेते हैं जी नहीं पहले आप बिगनिंग लेवल से योग का प्रारंभ कीजिए उस योग का प्रारंभ कर कर ध्यान योग का प्रारंभ कर कर जब आपकी धारणा बहुत विकसित हो जाएगी आपका फोकस बहुत एक्स्ट्रा लेवल पर चला जाएगा फिर आप जहां संयम करेंगे उसकी सिद्धि शीघ्र ही हो जाएगी लेकिन अगर कोई यहां पर इसको सुनकर कि भाई नाभि चक्र में संयम करने से पूरे शरीर का ज्ञान हो जाएगा तो चलो बैठ जाते हैं सीधा नाभि चक्र में ध्यान लगाते हैं जी नहीं ऐसे इस विषय को तो फिर महर्षि पतंजलि को अष्टांग योग बताने की क्या जरूरत थी पहले उन्होंने अष्टांग योग समझाया है तब जाकर वो संयम और सिद्धि की बातें कर रहे हैं पहले उन्होंने अष्टांग योग समझाया है तब जाकर वो संयम और सिद्धि की बातें कर रहे हैं तो यह हमें विचार करना होगा इस पर हमें ध्यान देना होगा ठीक तो ऐसा कभी ना सोचे कि यहां पर भूख प्यास पर नियंत्रण कंठ अगले सूत्र में वो कहते हैं कंठ कंठ कूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होगी ठीक भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो यह जो बात वो कह रहे हैं यह भी उन योगियों के लिए है जो परिपक्व हो चुके हैं जो एक एक्स्ट्रा लेवल पे जा चुके हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार वो ये सारी चीजें कर सकते हैं होती हैं महर्षि पतंजलि यह कह रहे हैं कि ऐसा होता है ऐसा संभव है क्योंकि वो बहुत नीचे के लेवल से अपनी बातों को बताना शुरू कर रहे हैं तो अगर आप लगातार सुन रहे हैं योग सूत्र का विषय तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस भूमिका पर किस बेस पर उन्होंने ये सब बातें कही हैं लेकिन अगर आप सीधा सुन रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ऐसा कन्फ्यूजन हो कि भाई ये कैसे संभव है कैसे ये इसका विधि क्या होगा जैसे कल भी कुछ लोग पूछ रहे थे ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान कैसे होगा अरे भाई पहले अष्टांग योग का अनुसरण करते हुए उस लेवल तक तो पहुंचो अपनी धारणा को अपनी एकाग्रता को उस स्तर तक तो ले जाओ तब तो ये बातें होंगी ना ऐसे नहीं हो जाएंगी तो यह भी साथ में समझ लेना है तो ये एक सीरीज चल रहा है योग सूत्र पर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर यह एक सीरीज चल रहा है तो उसको आप सुनिए डेली नाइन पीएम पर चलता है पीछे के वीडियोस भी सुनिए क्या भूमिका बनाई गई है पहले तब इन सिद्धियों की चर्चा महर्षि पतंजलि यहां पर योग सूत्र के विभूति पाद में करते हैं तो नाभि चक्र पर संयम करने से शरीर का पूरा ज्ञान होता है शरीर व्यूह का जो व्यूह है मतलब एक चक्र है व्यूह मतलब चक्र एक व्यूह है हमारे शरीर के अंदर नाड़ियों का और अनेक प्रकार के सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है यह एक व्यूह ही तो है सारा इन सब का ज्ञान हो जाता है नाभि चक्र में संयम कर लेने से दूसरा है दूसरी बात है कंठकूप में संयम करने से फिर वो कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास पर की निवृत्ति होती है और कर्म नाड़ी पर संयम करने से कर्म नाड़ी का संयम करने से क्या हो जाता है स्थिरता की प्राप्ति होती है मन शांत होता है मन स्थिर हो जाता है ठीक स्थिरता की प्राप्ति हो जाती है तो हमें इन सभी विषयों को समझना चाहिए और यह किस ढंग से किस आधार पर कहे गए हैं किस तरह से कहे गए हैं तो अगर हम इन विषयों को समझते हैं तो निश्चय ही बहुत तो हम इसको समझने का प्रयास करें और निश्चय ही इसका लाभ उठाएं तो चलिए आगे चलेंगे जो भी भाई लोग कोर्सेस ज्वाइन कर चुके हैं फिलासफी की जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनको भी वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे जिन्होंने आज सुबह ज्वाइन किया था उनको तो मिल गए होंगे लेकिन जो बाद में ज्वाइन किए हैं उनको नहीं मिलेंगे आज भी कई लोगों ने कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मौका दे सकते हैं आज अभी का भी कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि दो तारीख हमने बोला है लेकिन दो तारीख खत्म होने के बाद आपको अगले सेशन अगले बैच का अगला कब स्टार्ट होगा अगला बैच उसके लिए आपको वेट करना है ठीक है इस कोर्स का शुल्क हमने कम से कम रखा है रखने की कोशिश की है एक महीने के लिए हमने इसको अगर दो महीना जाएगा यह कोर्स तो फिर निश्चय ही इसका शुल्क ग्यारह सौ होगा नहीं तो फाइव नाइन्टी नाइन हमने इसको रखा लेकिन इतना भी है ज़्यादा से ज़्यादा दो महीना जा सकता है इससे ऊपर तो हम नहीं जाने देंगे जाएगा भी नहीं ठीक है डेढ़ महीना जा सकता है ये हो सकता है तो अगर एक महीना में ही सब होता है तो शुल्क वही रहेगा अगर ज्यादा होता है तो बढ़ेगा इसीलिए मैंने कहा था जो लोग ज्वाइन करेंगे वो दो महीने कम से कम कंटिन्यू करेंगे अपनी मेंबरशिप को ठीक है तो ये चीज थी तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कमेंट्स को देख लेते हैं नवज्योति नाथ जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अमन कक्कर जी एस के मिन्हास विक्रम सिंह शंकर प्रसाद जगत नारायण बबीता धीमान राकेश मराठे विमला शाह अवधेश कुमार राजू पाल राजेश भाई मकवाना कन्हई कुमार अबनी प्रधान रामलखन राजपूत सुहास राने सतीश कुमार जी गणेश पवार जी विनोद कुमार सूद जी बहुत अभिनंदन है शिखर शर्मा उषा श्रीवास्तव चितरंजन बरुआ सविता नायक जी नरसाराम जी अर्जन भाई चौहान धनराज सिंह राम विलास जी श्वेता राय सिन्हा माधुरी कोल्हे जी प्रशांत सेठ सृजनी महंता पंकज सोनी विष्णु चंद्र मौर्या जितेंद्र साहू जी बहुत अभिनंदन है प्रभु दत्त शर्मा संतोष गुप्ता रामनिवास मीना आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है जिनका भी मैं नाम लेता हूँ रूपलाल विश्वकर्मा रविशंकर चौहान हीरालाल यादव रतन सिंह जी योगेंद्र पंडित बलवंत सिंह गोहिल बीकू कु जी जयंती भाई पटेल जी राकेश गुप्ता जी रूपेश सिंह जी हेमराज बैरवा जी नर के पैदा होना नारी के पैदा होने वाले अलग अलग बूंद है पता नहीं क्या है आप किस विषय में क्या है? यह योग का विषय है जो आप प्रश्न कर रहे हैं हेमराज जी अगर योग सूत्र में उत्तर होता तो मैं बता देता ठीक है लेकिन योग सूत्र में कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है आप ऐसा कीजिए किसी डॉक्टर से पूछिए वो आपको जरूर बताएगा ठीक ना ये जो प्रश्न है किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए क्योंकि वो डॉक्टरी भाषा में बहुत बेहतर तरीके से इस विषय को जानते हैं उनसे पूछ लीजिए और मैं उतना ज्ञान नहीं रखता कि ऐसे प्रश्नों का बहुत ज्यादा उत्तर दे पाऊं ठीक पुष्पा भाटी जी महेश अग्रवाल जी वीरेंद्र कुमार सिंह जी भगवती यादव पवन कुमार गुप्ता चंद्रशेखर सिंह जलाराम राइका बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में ठीक है तो चलिए आज के कार्यक्रम को हम अब विराम की ओर ले चलेंगे और आगे कार्यक्रम के स्वरूप भी बदल बदला जाएगा ऐसा भी संभावना है अभी तो नहीं फिलहाल लेकिन भविष्य में कार्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन भी लाया जा सकता है ठीक तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्यान योग का जो कोर्स है वह 20 नवंबर से अवश्य शुरू होगा ध्यान योग का कोर्स बीस नवंबर से अवश्य शुरू होगा तो डिटेल्स जो लोग भी ध्यान योग करना चाहते हैं डिटेल्स उनको दे दी जाएंगे मिल जाएगी डिटेल्स ठीक है तो बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का और बहुत बहुत आभार मिलते हैं कल फिर 9 पीएम लाइव चर्चा में